नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम पुनः अपनी मुख्य पाठ्य पुस्तक वसंत की ओर लौटते हैं। अभी तक हम भारत की खोज से युगों का दूर अध्याय पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम वसंत का नवम पाठ कबीर की साखियां पढ़ेंगे। यह आपका कविता पाठ है। देखिए शीर्षक, कबीर की साखियां। सबसे पहले बेटा हमें कबीर दास जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कबीर की जो साखियां हैं और जो कबीर दास जी का नाम है, इनसे आप अनभिज्ञ नहीं हैं। कबीर दास जी युग दृष्टा और युग सृष्टा कवि हुए हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है और कबीर दास जी निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हुए हैं। कबीर दास जी के बारे में बच्चों ये माना जाता है कि वे जो है अनाथ थे और नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था। शुरू से ही इनका स्वभाव बिल्कुल फक्कड़ और मस्तमौला स्वभाव के थे और बुराइयों के प्रति इनका दृष्टिकोण हमेशा ही विद्रोहपूर्ण रहा है। कबीर दास ने समाज में जो भी बुराई देखी, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट भाषा में उस बुराई को धिक्कार दिया है, एक तरह से उनको फटकारा है और सुधार के मार्ग पर लाने का प्रयास किया है। कबीर कभी विद्यालय नहीं गए। उन्होंने जो कुछ काव्य सृजन उनका है, वह उनके एक तरह से कहा जाए तो स्वानुभूति का ही काव्य है। जो उन्होंने देखा, समझा, सोचा, अनुभव किया, उसी को काव्य के रूप में अभिव्यक्त कर दिया है। आपके पाठ्यक्रम में कबीर दास जी की 5 साखियाँ दी गई हैं। साखी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है गवाही। ये साखियाँ एक तरह से जीवन के वास्तविक अनुभवों की गवाही है और जीवन के साक्षात से हमें साक्षात्कार करवाती हैं। आज सबसे पहले हम साखियों का काव्य पाठ करेंगे, उसके बाद इनके भावार्थ व्याख्या करेंगे। तो आइए, ये सभी दोहे की शक्ल में हैं और आप इनको गा सकते हैं। गेय है तो देखिए। जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तरवार का, पढ़ा रहन दो म्यान, मोल करो तरवार का, पढ़ा रहन दो म्यान। आवतकारी एक है, आवतकारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुवा तो दहु दिसी फिरे, मनुवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, यह तो सुमिरन नाही। कबीर कबीर खास न निंदिए जो पाऊं तली होए, कबीर घास न निंदिए जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, उड़ी पड़े जब आँखी में खरे दुहेली होए। जग में बेरी कोई नहीं, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, दया करे सब कोई। तो ये कबीर दास जी की जो साखियाँ हैं बेटा, ये गेय हैं, इनको गाया जा सकता है और इनको आप कंठस्थ भी करिए, क्योंकि जीवन के निस्सृत अनुभवों का खजाना इनमें छुपा हुआ है, जो बड़े ही सहज और सरल भाषा में जो उन्होंने अनुभव किया कबीर दास ने, साखियों के रूप में समाज को प्रदान किया है। तो आप लोग भी इसी प्रकार पूरी लय गति और सुर के आरोह अवरोह क्रम को ध्यान में रखते हुए कबीर की साखियों का काव्य पाठ करें, इनको कंठस्थ करें
और लोक जीवन के निसृत अनुभवों का अपने जीवन में उपयोग करें। धन्यवाद।